दादाजी सरपंच थे? दादाजी ने, पिताजी सरपंच, पिताजी हाँ, पिताजी 62 से रेगुलर सरपंच रहे, यानी हमारे रबारी समाज में पहले सरपंच पिताजी बड़े। तो पिताजी का सपना यही था कि आप हॉर्स रखो या नहीं? पिताजी को तो पढ़ा के वो राजनीति करते, तो पिताजी का शौक था कि भी अपना बच्चा कोई अधिकारी कर्मचारी बनाए। अच्छा, अच्छा। लेकिन अपना वो नहीं रहा ना, अपना शौक था कि भी अपन को गुलामी नहीं करनी है, कर्मचारी यानी गुलामी। जी जी। तो अपन को पशु पालना है भाई, अधिकारी बनते हैं नौकरी पैसों के लिए। ये भी एक बिजनेस ही है? ये तो बिजनेस ही तो है ना। हाँ, ये भी एक बिजनेस है, ये खुद का बिजनेस है बस। घोड़ों पर राइडिंग वाइडिंग? राइडिंग मैं खुद करता हूँ। मेरे पास पहले एक मिराज नाम का घोड़ा था जी, वो खूब चला जी, यानी घोड़ा लाइन में उसने नाम अपना मिराज। हाँ जी, चालदार था, बहुत खूब चला। कितने महीने का हुआ? ये महीने हो गए 32। 32। क्या नाम रखा है इसका? युवराज। युवराज अपने घर का रिजल्ट है क्या? अपने घर का रिजल्ट। अच्छा, अपने घर पे कितने घोड़े घोड़े? मेरे पास 10 एक। 10 एक है। कब से लगा आपको शौक? मेरे को तो 1984 से। 84 से। हाँ। अच्छा अच्छा आपकी रहने की स्टाइल भी थोड़ी घोड़ों से मिलते जुलते। अपना क्या, घोड़ों के साथ रहते हैं ना, तो घोड़ों के साथ सेट भी तो होना चाहिए ना। सेट भी होना चाहिए। हम जब कपड़ा लेते हैं तो वो भी देखते हैं कि इसमें मैच है नहीं, शर्ट पैंट कपड़ा मैचिंग भी तो होना चाहिए। इसके लिए अपना लुक घोड़ों के हिसाब से बनाया हुआ है। वही तो बात है ना। अच्छा, ये 100 के लिए लाए आप? हाँ, 100 के। कब आज ही आयोगे? हाँ, सुबह में। सुबह में? पहले कभी उतारा है इसको? सुबह नहीं, नहीं अभी तो उतारा क्या, अभी 2.5 साल का हुआ है। अच्छा, तो फर्स्ट बार इधर? फर्स्ट बार, फर्स्ट बार इसका घर से बाहर निकलना। पहली बार ही आया था ये? पहली बार। पहली बार हुआ। कौन से लाइन से वैसे? ये लाइन अभी इसका कौन सा पकड़ा है, सेवाड़िया मठ पकड़ो, रत्नाकर पकड़ो, राज पकड़ो, चारों ओर से। फादर अपने वहाँ का ही? इसका फादर है बच्चन। बच्चन है? हाँ, बच्चन राज लाइन से। अच्छा, राज रत्नाकर और रत्नाकर सेवाड़िया। और माँ? इसकी माँ है डायरेक्ट सेवाड़िया मठ। अच्छा, और सेवाड़िया मठ से राज सिंगार। काफी नॉलेज है कहने का मतलब पूरी? नहीं, वो उस टाइम में अपन बच्चे थे और उस टाइम में अपना जो शौक लग गया था जी, जी, क्योंकि मैं उस टाइम में 84 में जोधपुर पढ़ता था। अच्छा, और चौपाशनी गया और वो घोड़े देखे और घोड़ा से फिर पढ़ाई को प्रेत लग गई है ना, यही शौक लग गया। अच्छा अच्छा, प्रेत लग गई। हाँ, वही तो होता है, पढ़ते पढ़ते लग गया। फिर आपने क्या सोचा कि मुझे घोड़े रखने हैं? फिर मैंने यही सोचा घोड़े नहीं है, फिर मेरा यही प्रोग्राम हुआ कि पशुओं में अपने पास पशु होना चाहिए, 1 नंबर कैटेगरी वाला, चाहे भैंस हो गाय हो। अच्छा, मतलब क्वालिटी एकदम है। हर एक पशु में अपने पास क्वालिटी है, भैंसों के पास, भैंस भी अपने पास वो हिसाब की है, बनी नस्ल, गाय अपनी ओरिजिनल कांग्रेस नस्ल। मतलब कोई लोग देखे तो ऐसा लगना चाहिए अपने फार्म पे आवे घोड़ा देखने के लिए, तो भैंस भी देखनी चाहिए, गाय भी जी जी, और गाय वाला आवे तो घोड़े देखने चाहिए, यानी उसको लगना चाहिए कि अपन देखने के लिए गाय आए, लेकिन हर क्वालिटी उसके पास उस हिसाब की है। उस हिसाब जैसे गाय देखना है तो इस पे फिदा हो जाए, इसको देखना है गायों पे चले जाए। सब आप ही सार संभाल करते हैं? बस मैं ही संभालता हूँ, बच्चे तो पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, और बच्चे छोटे भी हैं। अच्छा अच्छा,